स्प्लिट का काम है ऊंचाइयों तक ले जाना। आपको नहीं, आपकी किक्स को। लेकिन पावर और स्पीड लाने का काम तो हिप और नीज का है। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ी सी मेहनत आप अपने हिप और नीज पर भी कर लो। हिप मोबिलिटी के लिए पीठ की तरफ लेट जाओ और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट लेग के एंकल को राइट नी के नीचे रखो। फिर राइट लेग की थाई को पकड़कर अपने चेस्ट की तरफ खींचो। और कम से कम 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करो, सेम लेफ्ट लेग से भी। अब नीज पर आ जाओ और दोनों हाथों को जमीन पर रखो। राइट नी को राइट साइड उठाओ और वापस लाकर ऊपर की तरफ उठाओ। ध्यान रहे, इसमें आपका पैर सीधा नहीं होना चाहिए। सेम अदर साइड 10 टू 20 टाइम्स। हिप मोबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब जमीन पर बैठ जाओ और दोनों पैरों को वाइड एंगल में ओपन करो। राइट नी को लेफ्ट साइड मूव कराते हुए ग्राउंड से टच कराओ और लेफ्ट को राइट से। नी में स्पीड लाने के लिए नी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप और दोनों हाथ ग्राउंड पर। अब पूरा नीचे बैठो और खड़े हो जाओ। हाथ जमीन पर ही रहने चाहिए और उठते समय पैर सीधे। अब जितना हो सके पैर को आगे रखो और नी को ग्राउंड तक ले जाओ, पर टच नहीं होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद चेयर पोज में 1 से 2 मिनट तक होल्ड करो। नहीं हो रहा है, वॉल है ना। अब बैठ जाओ और दोनों हाथों को कान के पास रखो और बारी बारी से एक एक पैर को सीधा करो। अब पूरा नीचे बैठो और उठते हुए जंप करो कम से कम 10 से 20 बार। ये एक्सरसाइजेस करने से पहले लेग स्ट्रेचिंग कंपलसरी, नहीं तो इंजरी भी हो सकती है।